तवक्कुआत पे उनके उम्मीद पे पूरा उतरेंगे कामयाब उतरेंगे या नहीं, तो हमको और आपको मिलकर ये काम करना है कि आवाम के तवक्कुआत पे कामयाब होना है, उनके उम्मीदों को पूरा करना है। और मैं अगर यहाँ खड़े रहकर ये बात कहूँ कि ये कामयाबी सिर्फ मेरी मेहनत से मिली है तो ये गलत होगा। फर्द वाहिद कौम की तकदीरों को बदल नहीं सकता, फर्द वाहिद किसी भी कामयाबी का हकदार नहीं होता। कोई भी कामयाबी उस वक्त कामयाब होती है जब कई अफराद उसमें शामिल होकर करते हैं। तो ये कामयाबी सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं, ये कामयाबी सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी की नहीं, ये कामयाबी सिर्फ सलीम बेग साहब की नहीं, ये कामयाबी सिर्फ आदम साहब की नहीं, ये कामयाबी आपकी हमारी सबकी कामयाबी है। और ये सब ने मिलकर मेहनत की और हमारे सबकी मेहनत की वजह से ये कामयाबी हुई। अगर मैं तन्हा मेहनत करता तो शायद कामयाब ना होता, सलीम बेग साहब तन्हा मेहनत करते तो कामयाब ना होते। आपने, हमने, सबने खाने से खाना मिलाकर मेहनत की, कोशिश की, दुआएं की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी हमारी सबकी मेहनतों को कामयाब किया और हम सबको कामयाब किया। और ये भी बात अज़र मिन शम्स है कि अगर आवाम के दरमियान में रहेंगे, आवाम का काम करेंगे, आवाम के दुख दर्द में उनके साथ रहेंगे तो आवाम उन खायदीन के काम को कबूल करती है और उसकी निशानी हमारी ये कामयाबी है। अगर आप देखेंगे तो जहां जहां सैलाब तूफान आया, बारिश से इलाके मुतासर हुए, वहां की आवाम ने वहां के मौजूदा अवामी नुमाइंदों के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल किया और मौजूदा अवामी नुमाइंदों को नाकाम किया, अपनी बदहमी का इजहार किया, शिकायत का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया, गुस्से का इजहार किया, वहां के मुंतखबा बंदी नुमाइंदों के खिलाफ वोट दिया, वहां के मुंतखबा एमएलए के खिलाफ वोट दिया, वहां के मुंतखबा एमपी के खिलाफ वोट दिया, वो रियासत की बरसर इस्तेदार जमात और हुकूमत के खिलाफ भी वोट दिया। इस वास्ते कि बारिश के मुतासिरा इलाकों में या तो उनको बराबर इमदाद नहीं मिली या अवामी नुमाइंदे अवाम के दरमियान में नहीं थे, लेकिन जितनी बारिश की तबाही वो बर्बादी हमारे इलाके में हुई, मैं नहीं समझता कि कहीं और हुई, क्योंकि हमारे इलाके में दो दो तालाब टूटे, एक गुरम शेरों का तालाब टूटा और एक दूसरा तालाब भी हमारे इलाके में टूटा। तालाब के पुश के टूटने की वजह से पानी आया और आवाम मुतासिर हुई, परेशान हुई, लेकिन हम आवाम की उस मुसीबत परेशानी में आवाम के दरमियान थे। सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी आवाम के दरमियान में नहीं था, अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस के अराकीन बल्दिया भी थे, तो अराकीन बल्दिया के साथ मजलिस के सुदूर भी थे, मोतमद भी थे, सरगरम कारकुन भी थे, बारिश में तूफान में आवाम के दरमियान में थे। चाहे हम कुछ करो या ना करो, आवाम के दरमियान में तो थे। हम जरूर पानी के उस बढ़ते हुए सतह को कम नहीं कर सके, लेकिन आवाम के दिलों में पैदा होने वाली मायूसी और परेशानी के वक्त हमने आवाम का हाथ थामा, उनको अपने गले लगाया, कहा कि हाँ आप मुसीबत में हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम भी आपके साथ हैं। यही एक अमल था जो आवाम के मायूस दिलों में एक नई हिम्मतों को बांधा, एक नए जुस्तजू को बांधा और फिर हमने अपनी जात से जितना मुमकिन काम किया, चाहे वो लॉकडाउन हो, कोरोना कोविड का वक्त हो, या फिर सैलाब तूफान का वक्त हो, आपने, हमने, जमात ने मिलकर काम किया और इस काम को आवाम ने कबूल किया। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि हैदराबाद पार्लियामेंट के हलके में
हलका असेंबली चमरा इकट्ठे से 1,00,000 से जायद और हासिल करने में हम कामयाब हुए। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, और ये अल्लाह की दुआएं हैं और आपकी और हमारी मेहनतों और कोशिशों का इनाम है कि हम 1,00,000 से जायद वोट हासिल करने में कामयाब हुए। और आवाम ने बता दिया कि जो हमारे साथ रहेगा हम भी उनके साथ रहेंगे, और हमने भी बताया कि ये आवाम का हमारी जात पर सिर्फ एक एहसान नहीं बल्कि बेशुमार एहसानात है इस आवाम के, न सिर्फ जमात पर बल्कि मेरी जात पर भी आपका, मजलिस के कारकुनों का, मजलिस के सुदूर का, मोतमनीन का, सरगर्म कारकुनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, माओं का, बहनों का एहसान अजीम है अकबरुद्दीन ओवैसी पर। सिर्फ एक एहसान नहीं है, कई एहसानात है। निन्यानों में नौजवान एक लड़का इंतकाब में आया तो जब इस आवाम ने इस नौजवान का हाथ थामा तो बुजुर्गों ने मुझे चलना सिखाया, मेरी रहनुमाई की तो नौजवानों ने मेरे खाने से खाना मिलाकर मेरी हिम्मतों को बांधा, मेरे अजम को बांधा, मेरे इरादों को बांधा। वो सब करना एहसान न सिर्फ एहसान मेरा साथ देने का था बल्कि वो एक सबसे बड़ा एहसान ये था कि आप क्या इत्तेहाद आपके ओत ने सरजमीन हैदराबाद से इंतशार का खात्मा किया, मुनाफिकीन का सफाया किया और बातिल ताकतों के अजायम को नाकाम किया। अगर वो इत्तेहाद न होता, वो आपकी वाबस्तगी न होती, वो आपकी दुआ न होती और आप नौजवानों का साथ न होता तो हैदराबाद की फिजाओं से इंतशार का खात्मा नहीं कर पाते। वो एहसान सबसे बड़ा था। उसके बाद भी कई एहसानात एहसानात पे एहसानात आवाम के मेरी जात पर और आपकी हमारी जमात मजलिस पर, और मैं कैसे भूल जाऊं उस एहसान अजीम को जो आपने किया जब गोलियां लगी थी, जख्मों में था और खून बह रहा था, मौत और हयात की कश्मकश में था, मौत के चौकट पर था, तो उस वक्त मौत की चौकट से अगर मुझे खींच कर अगर कोई आग इस जिंदगी को दी है तो वो आपकी दुआएं थी, आपकी वो इबादतें थी जो आपने बारगाह रब्बुल इज्जत में की, और इस गुनहगार की हयात के लिए आपने जो दुआएं की, आपने जो रोजे रखे, आपने जो दस्तरखान बिछाया, वो एक इतना बड़ा एहसान है कि जब तक मेरी सांस तक दे रहेगी अकबरुद्दीन ओवैसी इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा वादा है कि मेरी आज मेरी औलाद भी इस एहसान का हक अदा करते रहेगी आपको, क्योंकि मेरी औलाद पर मेरी बीवी पर एहसान है आपका, आपकी दुआएं थी, तो कैसे भूल जाऊं उस एहसान को। जब तक बकैद हयात हूं मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा आपके एहसान को अदा करने में निकल जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि मैं अपने इलाज के सिलसिले में लंदन को जाता हूं, हर 3 महीने मुझे आयरन चढ़ाना जरूरी होता है, मेरे जिस्म में आयरन नहीं रहता, आयरन बनता भी नहीं है, कम हो जाता है। एक इंसान का आयरन कुछ 40 या 50 से लेकर 300 तक रहे तो उसका आयरन रहता है, लेकिन मेरा आयरन बहुत गिर जाता है हर 4 महीने में। आप गौर करिए, अल्लाह को काम लेना था तो 1 बरस से आपके दरमियान में हो, ना इलाज को गया ना कुछ कराने गया, अल्लाह काम लेना था इसलिए यहाँ पे रखा। खुदा ना खास्ता मैं यही सोचता रहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर मैं चला जाता इलाज के लिए और वहां फंस जाता लॉकडाउन के टाइम पर नहीं रहता तो फिर मेरी आवाम का क्या होता। अल्लाह ने इस मर्तबा इस कोविड में भी मेरी इज्जत की लाज रखी, मेरी नीयत की लाज रखी आवाम के दरमियान में, अल्लाह का शुक्र है। हर शब आंख बंद होने से पहले, हर सुबह आंख खुलने से पहले यही सोचता हूं
कि क्या काम है ऐ अल्लाह जो तू मुझसे लेना चाहता है, जो मुझे हयात दी। निकल पड़ता हूँ हर काम पे यही सोचता हूँ कि शायद ये काम था जिसके लिए हयात। और मैं कहूंगा कि लॉकडाउन में भी जो काम अल्लाह ने लिया है, मैं ये समझता हूँ, मैं अपने साथियों को भी यही कहता था कि लॉकडाउन में ये अनाज, ये परेशानी को परेशानी ना समझो, इसको ये समझो कि ये अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह हमको मौका दे रहा है नेकियां कमाने का, आखिरत को संवारने का। बटोरना है नेकियों को, आखिरत को कमाना है। और हमने नेकियां बटोरने के लिए काम किया, अपनी आखिरत को संवारने के लिए काम किया। मेरे पूरे कॉर्पोरेटर, मेरे पूरे सुदूर, मेरे पूरे मुतमदीन व सरगर्म कारकुन अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ खाने से खाना लगाकर खड़े थे। अरे ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। सिर्फ चंद्रयान टू से निकलने वाली आवाज हिंदुस्तान के गैयूर मुसलमानों को मुनज़्ज़म ही नहीं करती, मुत्तहिद भी नहीं करती, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद्रयान टू से निकलने वाली आवाज आज इत्तेहाद के लिए मरूब कर रही है, इत्तेहाद के लिए मजबूर कर रही है और दुश्मन को मरूब कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी आवाज न सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि अल्लाह ने इस लॉकडाउन में चंद्रयान गुट्टे वालों से सिर्फ चंद्रयान गुट्टे की आवाम का काम नहीं लिया, चंद्रयान गुट्टे से हटकर हमारे चंद्रयान गुट्टे वालों का अनाज याकूबपुरे को भी गया, बहादुरपुरे को भी गया, मुशीराबाद को भी गया, एरागड्डे को भी गया, शाहीन नगर को भी गया, राजेंद्र नगर को भी गया। 1 लाख राशन के किट चंद्रयान गुट्टे वालों ने अकबर उद्दीन ओवैसी और आपने हमने मिलकर तस्लीम किया। अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 1 लाख पके हुए खाने हमने तकसीम किए, ये भी अल्लाह ने काम लिया। हमने इन हालात में अपनी आखिरत को संवारने और नेकियों को बटोरने का काम किया। अल्लाह हर किसी को ऐसे मौके नहीं देता। दौलत क्या है? हाथों का मेल है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो अकबरुद्दीन ओवैसी दौलत के जरिए अपनी आखिरत को संवारेगा और गरीबों की मदद करेगा। जो दुख होता है सब कुछ लेकर चला जाएगा। अरे जब आया तो कुछ नहीं था, तो जब जाऊंगा तो क्या लेकर जाऊंगा, ये सोचना है। अगर हर कोई ये सोच ले कि चाहे कितनी बुलंदी पे क्यों ना चले जाए, चाहे शोहरत की बुलंदी की ऊंचाई पे क्यों ना खड़े रह जाए कोई एक आदमी, चाहे दौलत के अंबार पे क्यों ना खड़े हो जाए, हीरे मोती के पहाड़ों पे क्यों ना खड़े हो जाए, लेकिन उस शख्स को याद रखना है, हर बुलंदी से एक दिन नीचे आना है और इस 2 गज जमीन में ही दफन होना है और आखिरी आरामगाह में ही जाना है। अगर ये सोच लेगा इंसान तो उसको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी। मैं आपसे सबसे यही कहूंगा कि हमको अपनी जात से जो मुमकिन है जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, बेवाओं की मदद करनी चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए। हम अपने शौक के लिए, अपनी नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी भूख के लिए या अपनी आदत के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। अरे अपने आदतों में, अपने शौक में एक और शौक, एक और आदत पैदा कर लो और वो आदत, वो शौक गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, मजलूमों की मदद करने के शौक को पैदा कर लो, आदत को पैदा कर लो। हमको किसी और की मदद की जरूरत नहीं होगी, हमको किसी और की मदद की जरूरत नहीं होगी, अगर हम सब मिलकर यह तय कर ले कि हमारे महल्ले में एक डब्बा हम बनाएंगे, रोजाना हमारे चाय, हमारी सिगरेट या हमारा कोक या हमारे दूसरे जो भी अच्छे खाने या जो भी है उसमें से रोजाना 1 रुपया निकाल के उस डब्बे में डाल देंगे, तो आप अंदाजा लगाओ कि एक एक आदमी महीने को 30 रुपये उस डब्बे में डाल सकता है। अगर 100 लोग अगर 1-1 रुपया डाल दें तो आप अंदाजा लगाओ कि कितने हो जाएंगे। आप खुद गौर कर लो, अगर 1 लाख लोग अगर 1-1 रुपया दिन को डालेंगे
तो महीने को कितने हो जाएंगे? आप खुद गौर करो, अगर वो पैसा आ जाता है तो आप खुद किसी यतीम बच्ची की शादी करवा सकते हैं, किसी बेरोजगार को रोजगार दे सकते हैं, किसी बीमार का इलाज करवा सकते हैं। खुदा रा इस अमल को पैदा करो। हौमों के तकदीरें फर्द वाहिद से नहीं बदलती, हौमों की तकदीरें उस वक्त बदलती हैं जब हौम की सोच बदल जाती है, हौम की फिक्र बदल जाती है। आज हमको वो फिक्र वो सोच पैदा करनी है जिसके जरिए हम एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं यही पैगाम यही बात आपसे कहने के लिए आया हूं, और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी जमात की रीढ़ की हड्डी अगर कुछ होती है तो उसकी तंजीम होती है, और तंजीम कमजोर तो जमात कमजोर। आज हमारी तंजीम है चंद्रायन गुट्टे में मजलिस की तंजीम मजबूत है। कॉर्पोरेटरों को चाहिए कि तंजीम के लोगों को एतमाद में लेकर काम कॉर्पोरेटर साहब की जिम्मेदारी है कि सुदूर और मुतमदीन को एतमाद में, क्योंकि अगर मैं आपके महल्ले में आ जाऊंगा तो आपके हर महल्ले के लोगों का नाम मुझे याद नहीं रहता, लेकिन महल्ले के सदर को तो मालूम रहता है कि ये घर में रहने वाले का नाम क्या है, ये घर में रहने वाले लोगों में कितने लोग हैं, क्या है, सब मालूम होता। कॉर्पोरेटर को भी जरूरी नहीं है कि हर गली में रहने वालों का नाम याद रहे, एमएलए को भी जरूरी नहीं कि हर गली में रहने वाले का नाम याद रहे, लेकिन मुखामी सुदूर मुखामी मोहतमद मुखामी कारकुन को मालूम होता है कि इस घर में अहमद भाई रहते हैं, उस घर में मोहम्मद साहब रहते हैं, उनको मालूम कि इस घर में उमर साहब रहते हैं। तो इसलिए अहमियत होती है मुखामी वर्कर की। अगर आप रोड डालेंगे, अगर आप लाइन डालेंगे, पानी की लाइन डालेंगे, और मुखामी वर्कर को मुखामी सदर को नहीं मालूम, तो फिर ये सदर पोलिंग के वक्त लोगों को कैसे निकाल सकेगा? रोड डालिए जरूर, लेकिन मुशावरत करके डालिए मुखामी सदर मोहतमद से, उनको सामने रखकर डालिए ताकि उनकी अहमियत भी हो। आज ये हो गया है कि बस जो कुछ भी है एमएलए साहब, और उसके बाद कुछ है मुख्तार आम तो कॉर्पोरेटर साहब। नहीं मेरे भाई, एमएलए हूं और आप कॉर्पोरेटर हैं तो इनकी वजह से है, अगर ये नहीं तो मैं नहीं और आप ही नहीं। खुदा ने इनकी अहमियत को समझ, अगर ये नाराज तो अकबरुद्दीन ओवैसी भी नाराज, अगर ये खुश तो मैं भी खुश। ये बात साफ कह रहा हूं, क्योंकि हो यही रहा है कि बस इब्तदाइयों को अहमियत नहीं दी जाती है। इब्तदाई का सदर अगर बल्दिया के किसी आदमी को बुलाता है सफाई के लिए तो कॉर्पोरेटर साहब बोलते हैं, एक पैसा गया मेरे से, बगैर बोले गया, वो सदर बुलाया तो चले गया, रहता है ट्रांसफर कर लो। नहीं, मेरा सदर बुलाएगा जिसको चाहे, कॉर्पोरेटर नहीं रखेगा। मैं कह रहा हूं मेरा सदर बुलाएगा लाइन वाले को, मेरा सदर बुलाएगा बर्की वाले को, मेरा सदर बुलाएगा अबरसानी वाले को, मेरा सदर बुलाएगा बल्दिया के अहदेदारों को, कॉर्पोरेटर नहीं रोक सकता। मेरी नजर में पहले मेरे इब्तदाई का सदर है, मेरा मोतमद है, मेरा वर्कर है, उसके बाद मेरा कॉर्पोरेटर है। मैं उनको पीछे नहीं कर सकता। मैं साफ कह रहा हूं, बुरा लगता है तो लगने दो, लेकिन मैं कह रहा हूं इब्तदाइयों की अहमियत को खत्म ना करो, इब्तदाइयों की अहमियत को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, वर्करों को आगे बढ़ाओ, नई नस्ल को तैयार करो। मैं अब नौजवान नहीं रहा, अब मेरी उम्र बढ़ रही है, सेहत भी साथ नहीं दे रही है, लेकिन मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है कि जब मैं जाऊं तो जाने से पहले हाबिल लोगों को चंद्रायन गुट्टे की जिम्मेदारी उनके हाथ में देकर जाऊं, ताकि चंद्रायन गुट्टा और आगे बढ़े और तरक्की करे और इसका नाम। मैं अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं रहे जब तक नहीं, मेरी जिंदगी की कामयाबी सबसे बड़ी कामयाबी वही होगी जब मेरे बाद भी मेरा हलका मेरी मौजूदगी से ज्यादा तरक्की करे, तो मैं समझूंगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी।
ये इखलास, ये खुलूस को लेकर काम करना। अरे ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया में बहुत अच्छी चीजें हैं, खूबसूरत चीजें हैं, ऐश है, आराम है, हुस्न है, दौलत है, सोना है, चांदी है, पहाड़ है, बर्फीले चट्टान है, खूबसूरत फूल है, खूबसूरत दरख्त है। लेकिन याद रखो, इस दुनिया में एक ऐब है, और वो ऐब ये है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। हमको खत्म होने वाली चीज पे नहीं डालना। और ये कोविड के वक्त में तो नहीं मालूम कि कब किसको क्या होने वाला है, कि अब कब किसका बुलावा आ जाएगा, कौन अल्लाह को प्याला हो जाएगा, ये भी नहीं मालूम। तो हमको इस छोटी सी हयात वाली आरजी खयाम की जिंदगी की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमको अपने आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और ये कामयाबी और ये खिदमत आखिरत को संवारने का एक मौका है। लोग मुझे बोलते हैं, अकबर साहब, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, अकबर तुमने तो स्कूल बना के इतने बच्चों को पढ़ाकर इस दुनिया में अपने जन्नत का इंतजाम कर लिया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस काम करना है मुझको, मुझको तो काम करना है, दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मेरे काम को कबूल करे, अल्लाह हमारे काम को कबूल करे। तो ये एक मौका है नेकियां बटोरने का, खिदमत करने का, आखिरत को संवारने का। अगर कोई सच्चे दिल से, सच्चे दिल से, दियानत से, ईमानदारी से अगर आवाम की खिदमत करेगा तो उसको दुनिया भी मिल जाएगी, उसको आखिरत भी मिल जाएगी। ये मेरा ईमान, मेरे पास कुछ नहीं था लेकिन अल्लाह का दिया आज इतना है, कोई चीज की कमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जमात की वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपकी मेहनतों की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी है, नहीं तो मेरी भी कोई हैसियत नहीं। गुमनामी में शायद मैं भी कहीं और होगा, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ ने मुझे न सिर्फ नाम दिया, इज्जत दी, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने आखिरत को संवारने का मौका भी दिया आपकी खिदमत के जरिए। इस चीज को समझना होगा, अगर हम ये समझेंगे तो हम जरूर आगे बढ़कर काम करेंगे। मैं कॉर्पोरेटर्स साहिबान से कहूंगा, बुरा ना माने, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं, मैं कहूंगा कि हाँ मेरे कॉर्पोरेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अखबारात में और पढ़ते हैं कि बाज जगह पे छत पड़ रही है तो कॉर्पोरेटर चले जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे कॉर्पोरेटर, कोई कोई चला जाता, छत पड़ रहा है चले गए, रोड पड़ रही चले गए, पानी की लाइन पड़ रही चले गए, और जाके क्या बोलते हैं, बाबा छत डाल रही मेरे को क्या दे रहे। अरे बाबा, देने के लिए नहीं, हमको आवाम से लेना नहीं है, हमको आवाम को देना है, खिदमत करके उनकी तकलीफ में उनके साथ में रहकर उनकी दुआ को लेना। ये चीज अगर हम सोच लेंगे तो फिर हमारी कामयाबी कभी नहीं होगी। अगर आप काम करेंगे अखलास के साथ, दियानतदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, तो जमात बार बार आपको टिकट देगी। लेकिन अगर एक को टिकट देगी तो मतलब ये नहीं है कि वही काबिल है, वही नेक है, वही ईमानदार है। नहीं, यहाँ इस मजमे में, हमारे सुदूर में इनसे ज्यादा नेक लोग हैं, काबिल लोग हैं, दियानतदार लोग हैं, उनको भी जरूर मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही को मिलते रहेगा, नहीं, हर एक को मौका मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि मौका मिले, मैं तो चाहता हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह भी कोई और आए, एक नई सोच लेकर आए, नए फिक्र के साथ आए, नए अज़्म के साथ आए, नए इरादे के साथ आए, और अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काम करे। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी उसके कदमों में बैठ जाएगा और उससे कहेगा, आगे बढ़ और काम कर, और काम कर, और मिल्लत को मजबूत कर, जमात को और मजबूत कर। क्योंकि जमात शख्सियत की मोहताज नहीं होती, जमात शख्सियत की मोहताज नहीं, जमात का काम और अल्लाह का काम कोई भी करेगा, अल्लाह का काम किसी के लिए रुकने वाला नहीं, जमात का काम शख्सियत का मोहताज नहीं। बहरहाल
बहुत सी बातें हैं। मैं ममनून हूं आपका, शुक्रगुजार हूं आपका कि आप तमाम की मेहनतों का नतीजा है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को गैर मामूली कामयाबी दी और इस कामयाबी में आप सब के साथ साथ मैं सदर मजलिस का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो मुझे और मेरी टीम को इस काबिल समझा कि हम आइंदा 5 साल तक आवाम की खिदमत करें। मैं सदर मजलिस को मुबारकबादी देता हूं, सदर मजलिस को शुक्रिया भी अदा करता हूं और उसके साथ साथ मैं सारे उलमाए कराम का जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में वोट देने की अपील की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सारे मशायखीन उज़्ज़ान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआएं की और अपील किया। मैं हमारे जो सारे उलमाए मशायखीन की एक बॉडी है यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सारे अराकीन व नुमाइंदों का ममनून हूं, मशहूर हूं कि आपने न सिर्फ दुआएं की बल्कि अपील किया मजलिस को कामयाबी के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जमात इस्लामी का कि उन्होंने भी मजलिस के ताईद का ऐलान किया। मैं मरकज अहले हदीस का भी ममनून हूं, मशहूर हूं कि उन्होंने अपील की अपने सारे अराकीन से कहा कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में काम करे। मैं शुक्रिया अदा करता हूं तबलीगी जमात का कि उन्होंने भी अपील की और दुआएं की हमारी कामयाबी के लिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अहले कुरान तंजीम का भी जिन्होंने हमारी कामयाबी के लिए अपील की और दुआएं की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अहले सुन्नत उल जमात का कि उन्होंने भी अपील की और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआएं की। मैं सारे उन लोगों का जिनका मैं नाम लेने में चूक गया या भूल गया हूं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं चंद्रा गुट्टे के सारे मसाजिद के अइम्मा व मौज़िन वो इंतजामिया के कमेटियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए अपील की, दुआएं की और अपना वोट का इस्तेमाल किया। मैं सारे हैदराबाद के बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूं, नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, परवरशीन मां और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं और मेरे सरगरम कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से कि आपकी मेहनत, आपकी कोशिश, आपकी दुआएं के अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक गैर मामूली कामयाबी से अल्लाह ने नवाजा और अल्लाह ने हर वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी की हलफ से निकलने वाली जबान से निकलने वाले अल्फाज की लाज रख ली, हर मरतबा लाज रख ली। मुझे याद है कि यूनिक स्कूल के पास जलसा हुआ तो उस जलसे में मैंने अपने खिताब में कहा था कि हम खुद अपने आप में एक तूफान है और तूफानों का रुख बदलना हमको आता है। एक लहर चल रही थी, मैंने कहा कि कोई भी लहर होने दो, मूसा के किनारे उस लहर को टूटना ही पड़ता है, कमजोर होना ही पड़ता है और अल्लाह ने अकबरुद्दीन ओवैसी की जबान की लाज रखी और तूफान कहीं और आया लेकिन वो तूफान हमारी फिक्र, हमारे खुलूस, हमारी कारनामे और हमारे काम की चट्टान के आगे दम तोड़ने पे मजबूर हुई और कमजोर होकर लड़ गई लेकिन हमारे ऊपर कोई असर अंदाज नहीं कर पाई। दुनिया ने देखा कि बड़े बड़े तूफान आते हैं तो एक छोटा सा पौधा बाकी रहता है, जब तूफान आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, तूफान आता है तो दर्द गिर जाते हैं, तूफान आता है तो बड़े बड़े कदावर चीजें गिर जाती हैं, लेकिन तूफान जब आता है तो सब कुछ बहा कर ले जाता है। लेकिन तूफान के बाद में एक चीज को तूफान नहीं बहा सकता, वो है क्या, वो हरियाली का एक छोटा सा पौधा। तूफान आया तो भी नहीं निकलता,
तूफान जाता है तो भी वो लहराते हुए खड़ा रहता है। मदरसे इत्तेहाद मुस्लिमीन इसी हरियाली का नाम है जो हर तूफान के बावजूद भी खड़े रहती है और खड़े रहेगी रोज़े क़यामत तक। मदरस कायम व दायम रहेगी, दारुस्सलाम आबाद रहेगा और हमारे दिलों में मजलिस की मोहब्बत कायम व दायम रहेगी। सिर्फ हमारे दिलों में नहीं, हमारे आने वाली नस्ल के सीनों में भी धड़कते हुए दिल से अगर कुछ आवाज आएगी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही आएगी। और अल्लाह मजलिस को हर वक्त कामयाब और कामरान करते रहेगा। आपका शुक्रिया, आप तमाम का ममनून मशकूर। अल्लाह आपकी हमारी सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी हमारी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आपकी हमारी मुसीबतों को दूर फरमाए। अय अल्लाह हम गुनेगार हैं मौला, तो हमारे गुनाहों को न देख मौला। अय अल्लाह हम गुनेगार हैं, तो हमारे गुनाहों को न देख मौला। अय अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। अय अल्लाह तू अपनी आजमाइश को खत्म कर दे मौला। अय रब्बुल आलमीन तू अपनी आजमाइश को खत्म कर दे। अय अल्लाह जो जालिम आज हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए मौला, इन जालिमों का खात्मा कर दे मौला, इन जालिमों का खात्मा कर दे। या अल्लाह तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह तू हमारी आबरुओं की हिफाजत फरमा, हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा, हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। अय मौला अरे ये आखिरी एक टिमटिमाता हुआ चिराग है जिसपे सारी उम्मीदें टिकी है। अय अल्लाह ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है जो एक गरीब की एक मजलूम की उम्मीदगाह बना हुआ है मौला, तू इस आखिरी उम्मीदगाह की हिफाजत फरमा, इस आखिरी उम्मीदगाह की हिफाजत फरमा, मजलिस की हिफाजत फरमा, मजलिस के खिलाफ साजिशों को नाकाम बना। अय अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चे बैठे हैं बेरोजगार हैं मौला, इनको रोजगार अता फरमा। अय अल्लाह हमारी बच्चियां घरों में बैठी हैं, अय अल्लाह इनके नेक नसीबा कर दे, इनके नेक जोड़े इनको दिलवा दे, इनकी शादियां करवा दे। अय अल्लाह हमारे घरों में हमारे भाइयां, हमारे अफराद खानदान, हमारे दोस्त अहबाब जो भी मखरूस है, अय अल्लाह इनके कर्जों को दूर करवा, इनके कर्जों को दूर फरमा। अय अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार है इनको शिफाए कामिला अता फरमा, इनको शिफाए कामिला अता फरमा। अय अल्लाह बड़ी मुसीबतों से बड़ी तकलीफ से हमने इस जमात को सजाया है संवारा है वाला, तो इस जमात की हिफाजत फरमा। अय अल्लाह सारे कॉर्पोरेटर जो नाम मुंतखब है अय वाला, इनके दिलों में आवाम की और मोहब्बत को डाल। अय वाला इनको दयानतदारी से काम करने की तौफीक अता फरमा, हिदायत अता फरमा। अय अल्लाह इस मजमे में अगर कोई बेनमाजी है तो इसको नमाजी बना दे। अय अल्लाह अगर इस मजमे में कोई कुरान नहीं पढ़ रहा है अय अल्लाह, तो इसको हिदायत दे कि वो कुरान पढ़े। अय अल्लाह हमको सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हमको सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अय अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना, हम सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत को पैदा कर। अय अल्लाह हमारी इतनी खिदमत, हमारी इतनी मेहनत, हमारी इतनी कोशिश के बावजूद भी अगर अभी भी कोई हमसे नाराज है तो एक पाक परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरे हबीब का, तुझे वास्ता है खुलका है राशिदीन का, तुझे वास्ता है बुजुर्गान दीन का। मौला उन नाराज भाइयों को हमारे करीब कर दे। ऐ मौला हमसे जो दूर है उनको हमारे करीब कर दे। ऐ मौला जो नाराज है उनकी नाराजगी को दूर कर दे। मौला हम सबको एक कर दे। ऐ अल्लाह तू जानता है कि आज हम कैसी मुसीबतों में घिरे हैं मौला, लेकिन फिर भी हम तेरी रस्सी को मजबूती से थामे हैं मौला। अब हमारी इज्जत तेरे हाथ है मौला, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारा गुनाह क्या है, हमारा गुनाह यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो आ
तहरीक का वास्ता हम मुसीबत ज़दा मुसलमानों की मुसीबतों को खत्म कर दे वाला, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हम सबको नेक बना, एक बना, हम सबको मिलकर काम करने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह इस सरहद की हिफाजत के लिए जो सिपाही जामे शहादत लौट फरमाते हैं उनके अफराद खानदान को सब्र दे। ऐ अल्लाह अगर ऐसा वक्त आता है कि हमारे मुल्क को हमारी जरूरत है तो मौला हमको भी आगे भेज दे अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए।